न्यू ह्युंडई सैंट्रो 2018, इसकी प्राइस डिटेल्स क्या हैं, इसमें आपको क्या स्पेसिफिकेशंस मिलेंगे, इसके फीचर्स क्या हैं, इस गाड़ी की विशेषताएं क्या हैं और इसमें आपको ऑन रोड प्राइसेस क्या मिलती हैं, इसके सारे वेरिएंट्स कितने में आते हैं, इसके सारे वेरिएंट्स की प्राइस डिटेल्स और इसके इंटीरियर्स एक्सटीरियर्स, इसके इंजन में आपको क्या मिलता है, इसकी बूट क्या है, इसके टायर साइज़ क्या हैं, इसकी लाइटिंग में आपको क्या मिलती है, इन सारे सवालों का जवाब लेने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मैं जब भी नए वीडियोज़ डालूँ तब तक डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ये है ह्युंडई सैंट्रो एस्टा 2018। ये हैं इसके हेड लैम्प्स और ये फॉग लैम्प्स। इसमें आपको पार्किंग लैम्प भी मिलता है। यहाँ पे आपको सामने की तरफ ग्रिल्स मिलती हैं। फ्रंट लुक कुछ ऐसा दिखता है सैंट्रो एस्टा 2018 का। आगे हम लोग बात करेंगे कि आपको सैंट्रो एस्टा और सैंट्रो स्पोर्ट्स में क्या डिफरेंसेस मिलते हैं उसके बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें आपको कितने वेरियंट्स मिलते हैं और उसकी प्राइस डिटेल्स आपको क्या मिलती हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके बेस मॉडल की। इसका बेस मॉडल है डी लाइट, जो कि है 4,51,000 रुपये का इसका बेस मॉडल है। ये ऑन रोड प्राइस बता रहा हूँ मैं। और यहाँ पे आपको इरा मिलती है 4.91 लाख रुपीज़ की, यानी 4,91,000 रुपये की। इसके बाद आती है मैग्ना 5,27,000 रुपये की। स्पोर्ट्स आती है 5,74,000 रुपये की। यह सारी पेट्रोल मैनुअल मॉडल हैं। यहाँ पे मैग्ना AMT पहली ऑटोमेटिक गाड़ी, जो कि आती है 5,97,000 रुपये की। इसके बाद आती है मैग्ना CNG, ये आती है 6,02,000 रुपये की। इसके बाद आती है एस्टा, ये है पेट्रोल मैनुअल, ये आती है 6,27,000 रुपये की। और स्पोर्ट्स ऑटोमेटिक 6,28,000 रुपये की आती है। और सबसे महंगी गाड़ी है स्पोर्ट्स CNG, ये आती है 6,48,000 रुपये की। तो चलिए देखते हैं कि इसका पीछे से लुक कैसा है, ये पीछे से कैसे दिखती है। तो यहाँ पर आपको सैंट्रो की बैचिंग मिल जाएगी। यहाँ पर ह्युंडई का लोगो, लोगो के जस्ट नीचे यहाँ पे आपको एक रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है। यहाँ पे आपको दो सेंसर्स मिलते हैं, ये इसकी टेल लैम्प्स, और यहाँ पे आपको पार्किंग लैम्प्स भी मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको रियर वाइपर मिल रहा है और ये एस्टा की बैचिंग, एस्टा लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इसकी टेल लैम्प्स। तो यहाँ पे आपको इस गाड़ी में दो एयरबैग्स मिल रही हैं सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के मामले में ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे आपको दो एयरबैग्स के साथ सीट बेल्ट वार्निंग मिलती है और यहाँ पे आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी कि ABS मिल रहा है। इसी के साथ यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि EBD मिल रहा है। इस सेगमेंट में ABS, EBD, दो एयरबैग्स और सीट बेल्ट वार्निंग काफ़ी अच्छी डील है यहाँ पर। और यहाँ पर वाइपर, यहाँ पे पीछे की तरफ आपको रियर डिफॉगर भी मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक डिफॉगर जिसे कहते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में। यहाँ पे आपको 1086 यानी 1086 cc का पेट्रोल इंजन मिलता है। 4 सिलेंडर्स इनलाइन दिए गए हैं इसमें। 68 BHP एट रेट ऑफ 5,500 RPM का मैक्सिमम पावर मिलता है। मैक्सिमम टॉक यहाँ पे आपको 99 Nm एट द रेट ऑफ 4,500 RPM का मैक्सिमम टॉक मिलता है। यहाँ पे आपको 20 किलोमीटर प्रति लीटर की लगभग माइलेज मिलती है। 5 गियर्स दिए गए हैं यहाँ पे आपको, और यहाँ पे आपको मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम मिलती है। फ्रंट व्हील ड्राइव कार है ये। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको बूट स्पेस लगभग 235 लीटर का मिलता है, ये इसका बूट है। यहाँ पर आपको एक ट्रे भी मिल जाती है। और इसमें आपको MC Pherson स्ट्रट का सस्पेंशन फ्रंट मिलता है और कपल टॉर्जन बीम एक्सल रियर सस्पेंशन। तो यहाँ पे आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रंट गेट और ये सारी चीज़ें। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसके गेट पे आपको एक डोर हैंडल मिलता है, एक बोतल होल्डर मिलता है, स्पीकर मिलता है। और ये इसका इंटीरियर लुक, यहाँ पर आपको स्टेयरिंग दिख रही है। स्टेयरिंग पर एयर बैग लिखा हुआ है, ह्युंडई की बैचिंग और कुछ कंट्रोल्स। और यहाँ पे आपको AC मिलती है, AC नई डिज़ाइन की है। और यहाँ पे हेडलाइट एडजस्टर, ये इसकी सीट एडजस्टर। और ये हमें दिखा रहे हैं कि यहाँ पे आपको पावर विंडोज़ कंट्रोल्स मिलते हैं। ये इसकी
इंटीरियर है, ये इंफोटेनमेंट सेक्शन और ये एसी कंट्रोल्स, एसी वेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। इंटीरियर डिज़ाइनिंग काफ़ी बढ़िया है। और बात करते हैं इसके कुछ और सेक्शंस के बारे में, जैसा कि फ्रंट ब्रेक टाइप, यहाँ पे आपको डिस्क मिलता है, डिस्क ब्रेक्स यहाँ पे फ्रंट पे मिलती है और ड्रम ब्रेक्स आपको पीछे की तरफ मिलती है। ये इसके लाइट कंट्रोल्स, और यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील स्टील की मिलती है और व्हील्स यहाँ पे आपको स्टील रिम्स मिलती हैं। ये इसका इंस्ट्रूमेंटेशन, अभी हम लोग बाद में इसे चेक करके देखेंगे कि इसका इंस्ट्रूमेंट आपको कैसा दिखता है। ये इसका फ्रंट गेट पैसेंजर की तरफ, और इसमें भी आपको एक स्पीकर मिलता है, एक बोतल होल्डर मिलता है। यहाँ पे आपको सेम सीट एडजस्टमेंट दी गई है फ्रंट पैसेंजर के लिए, सेम एसी वेंट और इंफोटेनमेंट सेक्शन, यहाँ पे भी आपको एसी वेंट मिलते हैं लेग साइड के लिए। और ये है इसके सीट एडजस्टमेंट कंट्रोल, सीट्स यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल दी गई हैं। ये इसका इंफोटेनमेंट सेक्शन, ये सारे कंट्रोल्स एसी कंट्रोल्स हैं, और ये एयर वेंटिलेशन, ये गियर्स, और ये पावर विंडो कंट्रोल्स, हैंड ब्रेक, और वो बोतल होल्डर, कप होल्डर, ये पीछे के लिए भी एसी वेंट्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो बात करते हैं इसके कुछ और सेक्शंस के बारे में। तो यहाँ पे आपको एक ग्लव बॉक्स मिलता है, ग्लव बॉक्स के ऊपर भी थोड़ा सा स्पेस है। अभी हम लोग चलते हैं रियर गेट पे और यहाँ पे देखते हैं आपको क्या मिलता है यहाँ पे। तो रियर गेट पे सेम चीज़ें मिलती हैं, यहाँ पे आपको एक डोर हैंडल मिलता है और कप होल्डर, और यहाँ पे आपको एक स्पीकर मिलता है। चार स्पीकर दिए गए हैं इस गाड़ी में। यहाँ पे आपको इस गाड़ी में इंजन इमोबिलाइजर मिलेगा, सेंट्रल लॉकिंग रिमोट कंट्रोल्ड है, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी है इस गाड़ी में। बात करते हैं इसके कंफर्ट की, तो यहाँ पे आपको जैसा कि आपको दिख रहा होगा रिया में एसी वेंट्स दिए गए हैं, मैनुअल एसी दी गई है, और 12 वी आउटलेट यहाँ पे अवेलेबल है, रिवर्स कैमरा विद गाइडेंस दिया गया है, मैनुअल यहाँ पे आपको एंटी ग्लेयर मिरर्स मिलते हैं, पार्किंग सेंसर्स रियर के लिए दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि रियर से आपको फ्रंट लुक कैसा दिखेगा, काफ़ी अच्छा लुक है और प्रीमियम फील देता है। तो ऊपर देखिए यहाँ पे आपको एयरबैग लिखा हुआ, रियर व्यू मिरर्स हैं एक यहाँ पे आपको मिलता है। ये इसका केबिन लैंप जो कि सेंटर के लिए दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको मिलता है सीट अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, सीट अपहोल्स्ट्री फैब्रिक मिलती है। ये दूसरा गेट है रियर साइड का, यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ें ही मिलती हैं। और मैनुअल ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट मिलता है, फ्रंट पैसेंजर सीट एडजस्टमेंट मैनुअल दिया गया है, बेंच रियर सीट्स मिलती हैं। ये इसकी हेडलाइट्स, हेडलाइट्स ऑन होने पे कुछ ऐसी दिखती हैं, जिसमें आपको फॉग लैंप मिलता है, फॉग लैंप काफ़ी हेल्पफुल है। फ्रंट सीट पॉकेट्स इसमें दिए गए हैं, और हेडरेस्ट यहाँ पे आपको फ्रंट एंड रियर दोनों के लिए मिलते हैं, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते हैं। फ्रंट और रियर दोनों के लिए आपको पावर विंडोज़ मिलती हैं। ये इसकी टेल लैंप्स, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे आपको वन टच डाउन ड्राइवर के लिए मिलता है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल इसके ORVMs दिए गए हैं, टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORVM है जो कि एक प्रीमियम लुक देता है इस गाड़ी को, और रियर डिफॉगर, रियर वाइपर, ये सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक्सटीरियर डोर हैंडल्स मिलते हैं बॉडी कलर्ड, फ्रंट और रियर दोनों के लिए डोर पॉकेट्स दी गई हैं। यहाँ पे आपको रूफ माउंटेड एंटेना एंड बॉडी कलर्ड बम्पर्स भी दिए गए हैं। लाइटिंग सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको कन्वेंशनल हेडलैम्प्स मिलते हैं, कन्वेंशनल टेल लैंप्स मिलते हैं, फॉग लैम्प यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट के लिए मिलता है। और यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो इंस्ट्रूमेंटेशन यहाँ पे आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये कुछ ऐसा दिखता है। और ट्रिप मीटर, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर वन ट्रिप मिलता है, और एवरेज फ्यूल कंजप्शन इसमें, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू एम्प्टी, क्लॉक डिजिटल दी गई है, लो फ्यूल लेवल वार्निंग, डोर रिजर्व वार्निंग, गियर इंडिकेटर, शिफ्ट इंडिकेटर, और इंस्टेंटेनियस कंजप्शन, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। और इंटरटेनमेंट सेक्शन में आपको इंडैश म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, हेड यूनिट साइज 2 इंच का है और टच स्क्रीन डिस्प्ले है इसमें। इस गाड़ी में आपको GPS नेविगेशन सिस्टम मिलता है, चार स्पीकर्स मिलते हैं,
USB aux compatibilities मिलती हैं, सॉरी auxiliary compatibility आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ compatibility मिलती है फ़ोन विद ऑडियो स्ट्रीमिंग। यहाँ पे आपको MP3 playback और CD player भी मिलता है। इस गाड़ी में आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। 3 साल की वारंटी है इस गाड़ी की और 1,00,000 किलोमीटर तक की वारंटी देती है Hyundai for Santro। वहीं पे लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 3.8 मीटर की लंबाई है, 1.6 मीटर की चौड़ाई है, 1.5 मीटर की ऊंचाई है, 2.4 मीटर की व्हील बेस है। कैपेसिटी यहाँ पे आपको 235 लीटर की इसकी बूट स्पेस मिल जाएगी, 35 लीटर की इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। यहाँ पे आपको 1086 सीसी का डिस्प्लेसमेंट मिलेगा इंजन का। ये इंजन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी Hyundai Santro 2018 जो कि हम लोग शोरूम में आए हुए थे। ये शोरूम है SAS Hyundai, SAS Hyundai सुल्तानपुर, और ये गोरा बारीक अमाहट में पड़ता है। फ्रंट लुक आप देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन ज़रूर दबाइए, क्योंकि ऐसी वीडियोस इस चैनल पर डेली आती रहती है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोग डिटेल में इसे पढ़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप इसे डिटेल में, इस गाड़ी के सारी डिटेल्स को डिटेल में पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय।